यारो अस्सलाम वालेकुम। हेलो यार, कैसे हैं आप सब लोग? आज आप सब खैरियत से होंगे। आज ने अपने चैनल चाइल्ड क्रिएट्स पर एक नई वीडियो जिसका हम नाम चेंज करने जा रहे हैं। क्या नाम रखने जा रहे हैं भाई? बोझदार क्रिएट्स, यानी अपनी कास्ट पर हम रखने जा रहे हैं इसको। ठीक। और इसके लिए हमने पोल भी बनाया था कि हम क्या रखें, नाम चाइल्ड क्रिएट्स ही रखने दें या बोझदार क्रिएट। तो ज्यादातर जो मेरे ख्याल से 85-87% मेरे ख्याल से बोझदार क्रिएट का कहा गया था और बाकी जो 13-14% है वो चाइल्ड क्रिएट्स का कहा गया था। तो अब हमने फैसला किया है कि इसका नाम बोझदार क्रिएट रखेंगे जल्द ही। और आज जो वीडियो है वो है ड्राइविंग स्टंट्स के बारे में। जो पिछली वीडियो बनाई थी, पिछली नहीं, 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसी के तरीके से, लेकिन तरीके से वो भी ड्राइविंग वो लेकिन वो था कि रियलिटी बताई गई थी। हमने मतलब वीडियो में रियलिटी बताई गई थी और जो मूवीज वगैरह में होती है वो बताई गई थी। और आज जो है वो स्टंट के हवाले से, मतलब जो कार्स वगैरह पर जो स्टंट किए जाते हैं, जो मतलब दो टायरों पर गाड़ी चलाई जाती है या ड्रिफ्टिंग की जाती है और इस तरह के कई स्टंट दिखाए जाते हैं। कोई तो पैरों से चला रहा है, कोई क्या। और मिस्टर बीन नहीं है, मिस्टर बीन एक दिन कपड़े पहन रहा होता है उसमें गाड़ी में बैठ के, उधर ब्रश भी कर रहा होता है, तो कभी टांगों से चला रहा होता है, पता नहीं क्या, छत पर बैठ के चला रहा होता है, छत पर बैठ के चला रहा होता है। तो आज उसी हवाले से स्टंट्स किए, मतलब स्टंट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि लोगों के स्किल्स कैसे हैं, वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, इस तरीके पे। और जी मुझे तो इस वीडियो से पता चला कि यार मैं भी ना अपना जो सारा काम है सारी तवज्जो मैं गाड़ी चलाने पे दे रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के दिन थे, काम वाम कुछ था नहीं यार। मैंने सोचा चलो यार कोई नया काम, अब दे रहे हो या पहले दे रहे थे? कंफर्म करो। कंफर्म करो, अब गाड़ी चलाने पे तवज्जो दे रहे हो, पहले दे रहे थे? पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक मैंने चलाना सीख लिए, क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब ने उनसे मैं सॉरी रिक्वेस्ट करूँ थोड़ी सी थोड़ी सी, भाई मैंने ना जो गाड़ी की वीडियो बनाई थी बहुत अच्छी बात की, मजा नहीं आया हमें, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आखिर तक देखे। स्टंट्स के बारे में बताया गया इसमें और इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बात बोल देता हूँ, बोलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लें, इससे पहले कि वीडियो चैनल का नाम चेंज हो जाए। भाई को पैसे सीखे मिलते हैं, सब्सक्राइब करें उसको पैसे मिलने इस बात के। एक वीडियो के सब्सक्राइब बोलने के 100 रुपए। स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अगर आपने कार स्टंट्स और वीडियो गेम में देखे हैं तो भी आपको अंदाजा होगा कि कितने ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है, यानी कि हल्की सही बात आपको मौत के कगार पर खड़ा कर सकती है। लेकिन फिर भी कुछ ड्राइवर्स इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि वो किसी तरह से कार चलाने में पीछे नहीं आते। बात में वजन है हमारी आज की स्टूडियो को देखिए, इसमें आपको एक से एक टॉप लेवल के ड्राइवर दिखेंगे जिनकी ड्राइविंग स्किल को देखकर आप पूरी तरह से अच्छा मतलब दिखाएंगे भी लोग, मैंने सुना बताया गया। इससे शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ड्राइविंग रिवर्स, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स ड्राइविंग की। अब रिवर्स ड्राइविंग करना हर किसी को सी बात नहीं होती, क्योंकि इसमें आप बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किसी की चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो जैसे इसमें महारत हासिल करके बैठे हैं। ये तो और फिल्म है ना, घूमने के लिए आपको क्या नाम था उसका, तो मूवीज के लिए क्लिप से जी हाँ बात कर फास्ट एंड फ्यूरियस अभी याद है आपको, एक दो सालों से नहीं बल्कि पिछले 15 साल। हाँ ये तो वही बंदे हैं जो पिछली वीडियो में भी थे, 15 साल से भाई रिवर्स ड्राइविंग में नहीं जाते हैं। दोस्तों असल में रिवर्स ड्राइविंग ये एक हादसे की बात से थी, क्योंकि एक बार ये ट्रैफिक में पूरी तरह फंस गए और इन्हें जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना था। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये रिवर्स ड्राइविंग करके मुड़ जाएंगे तो ये जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या कहने यार, क्या आईडिया है, रिवर्स ड्राइविंग बटा सोच बंदा रेस लग रहा है ये, और ये इंडिया में इंडिया का झंडा लगा। इन्होंने अपनी कार को ठीक करके उसमें 4 रिवर्स गियर लगवाए और खाली एक फॉरवर्ड गियर लगवाया। तब से लेकर आज तक ये रिवर्स 4 तो हमारी गाड़ी में अगले के नहीं है, इसके रिवर्स में 4 से गलत टेढ़ी लग रही मेरे को तो। हां सब पीछे देखना होगा ना। वैसे तो सऊदी अरेबिया लगातार अपने रिच और रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर वही रॉयल लोग अपने हैरत अंगेज करतब दिखाने से पीछे नहीं हटते। वहां पर आपको बहुत से अलग अलग लोग अलग अलग तरह के स्टंट करते हुए मिल जाएंगे,
जिसमें सबसे फेमस स्टंट दो पहियों पर गाड़ी चलाना है। जी हाँ, इसमें ये लोग कार को दूसरी तरफ दो पहियों पर टिका लेंगे और फिर उस पर न सिर्फ गाड़ी चलाएंगे बल्कि लटक कर अपने उस बेवकूफी भरे काम का डंक कर जाएंगे। सही बात है, बेवकूफी भरे काम काफी सरल लगती हो, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा करना मौत को न्योता देने के बराबर है। लेकिन कार तो दो पहियों पर चल जाएगी, जब आप इसे वापस चार पहियों पर बैलेंस करेंगे तो ये चल कर डिसबैलेंस भी हो सकती है जिससे काफी सारा नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ लोग तो इससे एक लेवल अप जाने में लगे रहते हैं। शौक का कोई मोल नहीं है ना भाई, ये रहा गाड़ी चलाते हैं बल्कि उन दो पहियों पर गाड़ी को चलाते यही वाला सीन था, मैंने देखा था। इसमें कब क्या हो जाए इसका इन्हें भी अंदाजा नहीं है। दो पहियों पर जब कार चलती है तो किसी को भी ये नजारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन तब क्या जब कार को बिल्कुल सीधा 328 फुट लंबे और 31 इंच चौड़े प्लेटफॉर्म पर टेढ़ा करके चलाना हो। हमें पता है चीज सुनने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन कुछ फिटफिट लोग आज इस दुनिया में मौजूद है जो किसी भी खतरनाक चीज से नहीं डरते। और इसी तरह से चाइना के तीन लोगों ने इस खतरनाक स्टंट को करने का बीड़ा उठाया, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टंट को पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ और वो कोई और नहीं बल्कि ली लॉन्ग्स थे। ये चाइना के ऐसे ड्राइवर हैं जो अपने ड्राइविंग स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन जब इन्होंने इस शानदार स्टंट को करके दिखाया तब तो मानो वो एक सुपरस्टार बन गए। इन्होंने न सिर्फ बेहतरीन स्टंट करके दिखाया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। डेंजरस बस रूट। दोस्तों अगर आप लोगों ने कभी भी पहाड़ों पर ड्राइविंग तो छोड़िए किसी गाड़ी पर बैठकर सफर भी किया है, पाकिस्तान में से बहुत सारे रास्ते हैं जैसे सवा गिलगित वगैरह पे कोयटा की साइड पे ऐसे बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, वहां की सड़कें पतली होती हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने किए ये नहीं गए थे वहां कि सामने से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी कारण पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय छोटी सी चूक न सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ बैठे सभी को, लेकिन कुछ लोगों को कहां किस चीज से डर लगता है वो तो इन खतरनाक पहाड़ों पर ऐसे ड्राइविंग करते हैं जैसे कोई पहाड़ नहीं बल्कि नॉर्मल रोड हो। अब जैसे आप जनाब से मिली, इनका नाम ग्लोरियो है और ये पिछले 50 सालों से जानलेवा पहाड़ों पर बस चला रहे हैं। हर रोज पैसेंजर बस चलाकर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की बात है भाई, इन्हें और ना ही इनके किसी यात्रियों को कोई भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ा जो की इनकी काबिलियत साफ साफ दर्शाता है। कार बैरल रोड। अब आप मिलिए कार स्टंट की दुनिया के एक अनोखे शख्स से जिसके आगे अच्छे अच्छे स्टंट करने वाले पानी मांगते हैं। जी हां, अपने फील्ड के बेताज बादशाह जिनका नाम टेरी ग्रांट है। टेरी ग्रांट, इन्होंने कार स्टंट में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर उनके स्टंट इतने ज्यादा हैरतअंगेज और खतरनाक होते हैं कि इन्हें देखने वाले की सांसें रुक जाती है। और इनका एक ऐसा स्टंट था जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ और वो स्टंट कोई और नहीं बल्कि बैरल रोलिंग था, क्योंकि बाइक से बैरल रोलिंग तो हमने कई लोगों को तो देखा है जिसमें बाइक को पूरी तरह से घुमाकर वापस खड़ा करना होता है, लेकिन कार से बैरल रोलिंग कार घुमा के आपने सीधा करना है, वापस चलाना है। शानदार स्टंट को दिखाया तो देखने वाले तेजी रह गए। इस खतरनाक स्टंट में कार को पूरी तरह से 360 डिग्री में घुमाकर वापस सीधा खड़ा करना होता है, जिसको मात्र देखने भर से इंसान के पसीने छूट जाते हैं। उस बेहद ही जानलेवा स्टंट को इन्होंने करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। बहुत मुश्किल है ये तो पक्की बात है कि आप लोगों ने बहुत ही तरह के जंप देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ट्रक जंप देखा है? अगर नहीं तो नजर डालो जहाँ पर ग्रेग गॉडफ्रे नाम के ड्राइवर ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे देखने वाला हैरानी हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपने ट्रक को 166 फीट की ऊंचाई से जंप करवाया जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी इन्होंने ट्रक जंप करके सभी को हैरान कर दिया था जहाँ पर इन्होंने 83 फीट की ऊंचाई से जंप लगाया था, लेकिन यहाँ पर कार को लहराने का मतलब ये नहीं की आप कार को किसी भी तरह से घुमा कर आगे बढ़ा देंगे। जी नहीं, यहाँ पर कार स्लैलम मतलब होता है आप कार को पूरी तरह से एक ही मोमेंट में आगे बढ़ाएं, जिसे चाइनीज रेसिंग ड्राइवर जिया कियांग ने इतनी तेज स्पीड में किया कि इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। वैसे तो ये कई बार कार स्टंट करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा भी चुके हैं, लेकिन इनका ये रिकॉर्ड वाकई बहुत ज्यादा अनोखा था जिसमें इन्होंने चाइना के एयरपोर्ट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे 50 पोल को केवल 48.11 सेकंड में पार करके सभी को चौंका दिया। हाइड्रो प्लानिंग। आप लोगों ने फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में तो सुना होगा और इसके बारे में ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है।
क्या कभी आप लोगों ने फॉर्मूला ऑफ रोड के बारे में सुना है? क्योंकि आइलैंड के कुछ इलाकों में पानी के ऊपर कार चलाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारी मात्रा में लोग आते हैं और इस रोमांचक खेल का आनंद उठाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर जंगल का अपना एक राजा होता है, वैसे इस स्पोर्ट्स में भी एक महारथी शामिल है जो इतने बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाता है कि उसे देखने के लिए हर कोई इस खेल को देखने चलाता है। जिन्होंने सन 2014 में 1600 हॉर्स पावर की बगी को 1001 फीट लंबाई तक पानी के अंदर चलाया। और अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इन्होंने 44 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इस खतरनाक स्टंट को पूरा किया और ऐसा करने के बाद ये स्पीड के राजा बन गए। पर हम आपको बता दें, इस तरह से पानी के ऊपर कार चलाने के लिए आपको स्पीड का काफी अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, वरना कार पानी के अंदर फंस कर डूब भी सकती है। इसी कारण गलती से भी इस खेल को आजमाने की कोशिश मत करना। हम रोड पर चलाने काफी हमारी है। बात तो आपको अच्छे से पता होगी कि लैंड रोवर अपनी कारों का प्रमोशन बहुत अच्छे से कराते हैं और इस बार इन्होंने अपनी कार को प्रमोट करने का अलग ही तरीका कोई कंपनी है शायद देने वाला आईडिया में इन्होंने साउथ अफ्रीका की सड़कों पर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगा दिया और इसके बाद वहां मौजूद लोगों से ये कहा कि वो स्पीड ब्रेकर को पार कर लें और अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। लेकिन ऑडियंस में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कोई भी इस बड़े से स्पीड ब्रेकर को पार नहीं कर पा रहा था और सभी लोग इस स्पीड ब्रेकर को देख कर बहुत ज्यादा परेशान थे। लैंड रोवर ने अपना जादू चलाने की सोची, जिसके बाद लैंड रोवर कार को बड़े से स्पीड ब्रेकर को पार करके दिखा दिया ताकि हर कोई देख सके कि कैसे लैंड रोवर बड़े से बड़े हर्डल को पार करके आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। जिन लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कार चलाना पाकिस्तान में होना चाहिए, मौका मिलते ही स्विंग करके खुश हो जाते हैं, उन्हें हमारा ये ड्राइवर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मिलिए आप ब्लॉक गेम से जो कार को बिल्कुल तेज रफ्तार में ले जाकर इतने बेहतरीन तरीके से स्विंग करते हैं कि देखने वाला देखते रह जाए, क्योंकि इनका तरीका नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अटकर है और ये हर मुश्किल से मुश्किल जगह पर जाकर स्विंग कर सकते हैं। हालांकि चीज देखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन इसे करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा की है ताकि जाकर अपनी कार को इतने बेहतरीन तरीके से न सिर्फ स्विंग कर पाए बल्कि उसे पूरी तरह से गोल घुमाकर रोक भी सके। और ये चीजें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस से आती है जो इन्होंने भरपूर मात्रा में। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत पसंद आई आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। के बोलने का अंदाज कैसे ओपी था? हां यार बहुत अच्छा था। इजीली आराम नाम से सब कुछ डिफाइन कर देते हैं गाड़ियों के बारे में, कैसी है, कौन चला रहा है, उनके मालिक के बारे में, कौन सी कंपनी कौन से एडवर्टाइज कर रही है, उनके बारे में बता रहे थे हमारे सब। गाड़ियों के स्किल भी बहुत अच्छे थे, स्टंट बहुत अच्छे किए थे, स्टंट के नए नए तरीके भी मतलब उनको पता चले कि कौन कौन से स्टंट होते हैं। मेरे को ट्रक का नहीं पता था कि ट्रक में भी स्टंट होते हैं। ट्रक के जो क्या कहते हैं उसे, जंप, जंप का। कार भी मैंने शायद देखे थे, बाइक के तो हम देखते रहते हैं और साइकिल के भी जंप, लेकिन ट्रक का पहली बार देखा। ट्रैक्टर के होते हैं, बचपन से तो। और एक जो स्पीड ब्रेकर वाली जो एडवर्टाइजमेंट थी एक कंपनी की, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में खासकर कराची में इस तरह के स्पीड ब्रेकर है कि खड़े ही खड़े पूछे ना आप लोग, तो गाड़ियां लग जाती हैं यहाँ पे। उनके जो नीचे से जो सिस्टम है वो ही नाजुक सूरत हाल हो जाती है उसकी। तो मेरा ख्याल से आज के लिए बहुत है और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।